あんな夢こんな夢いっぱいあるけど ये आप लोग डोरेमोन को डोरेमोन नहीं कहते हैं। Hi guys, नमस्ते। मेरा नाम कोहे है, टोक्यो जापान से हूँ। मेरे YouTube चैनल में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं हिंदी सीखता हूँ और इसी भाषा में वीडियोस बनाता हूँ YouTube के लिए। और मेरे दोस्त, आज मैं कुछ नया और मजेदार करने वाला हूँ। Today I am going to react to the Hindi version of Doraemon's opening song. Yay! Doraemon एक ऐसा anime है जो पूरी दुनिया में देखा जाता है। Doraemon जापान में उत्पन्न हुआ था और अब पूरी दुनिया में Pokemon और Hello Kitty जैसा बहुत ही विशाल और बड़ा content बन चुका है। मैं भी बचपन में देखता रहता था ओरिजिनल वर्जन यानी जापानीज भाषा में। डोरेमोन काफी पुराना भी है, 1969 यानी WWF सेकंड खत्म होकर जब जापान में पहला ओलंपिक मनाया गया था 1964 में, और उसके ठीक 5 साल बाद 1969 में शुरू हुआ था डोरेमोन। तो जरूर मेरे माता पिताजी ने भी उनके बचपन में डोरेमोन देखा था। तो डोरेमोन का इतिहास इतना लंबा है और एनीमे अब जापान की सबसे महत्वपूर्ण संस्कृतियों में से एक के रूप में माना जाता है। और जैसे आप सबको मालूम होगा कि मैं हिंदी सीखता हूँ क्योंकि मुझे हिंदी सीखने में दिलचस्पी है, डोरेमोन तो हिंदी भाषा में भी अनुवाद किया गया हुआ है। आज मैं जिंदगी में पहली बार डोरेमोन का ओपनिंग सॉन्ग हिंदी में सुनना चाहता हूँ और उसका रिएक्ट करूँगा। चलिए तो हम लोग आरंभ करते हैं। गणपति बप्पा, मंगल मूर्ति। ओके गाइस, हम लोग अब गाना सुनना शुरू करते हैं, ठीक है? पहली बार सुनने वाला हूँ हिंदी वर्जन। स्टार्ट। वाओ, ये गाना सेम है, एक ही है। जापान वाले डोरेमोन का ओपनिंग है ना, वो भी ऐसा ही होता है, सेम है, बिल्कुल सेम है। あるけど wow, Tokyo Tower, Tokyo Tower, ya Tokyo ka nazara dikhai de raha hai, wow, tokitai na, ye Doraemon ki awaaz bahut pyari hai, kafi alag hai, Doraemon kya hai? ये आप लोग डोरेमोन को डोरेमोन नहीं कहते हैं, आप लोग कुछ और कहते हैं ना, दो डोरेमोन नहीं कहते आप लोग, क्या कहते हैं? मंगल मूर्ति। आप लोग डोरेमोन को डोरेमोन कहते हैं। अच्छा, हिंदी में डोरेमोन हो जाता है ना। सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि गाना बिल्कुल सेम है, बस लिरिक्स अलग है। हम लोग भी इसी सुर में गाते हैं। あんな夢こんな夢いっぱいあるけど बिल्कुल सेम है ना। और मुझे ये बात जानकर बहुत आश्चर्य हुआ है कि डोरेमोन की आवाज बिल्कुल प्यारी है हिंदी वर्जन में। जापानी वाले डोरेमोन में क्या होता है, तकरीबन 10-11 साल पहले डोरेमोन के कैरेक्टर्स को आवाज देने वाले अभिनेता अभिनेत्री लोग है ना, वो लोग पूरे बदल गए थे। सब लोग बदल गए थे, चेंज होने से पहले, बदलने से पहले डोरेमोन की आवाज बहुत ही अलग होती थी। मैं उसका कॉपी कर सकता हूँ। सोला मुझू नी तो बिताइना डोरेमोन की आवाज, ये डोरेमोन की पुरानी आवाज है। ये नोबिता डोरेमोन की आवाज ऐसी थी। उस गाने में जब डोरेमोन टाकीकोप्टा देता है ना आसमान में उड़ने के लिए, हिंदी वाले डोरेमोन की आवाज से काफी अलग है। वर्तमान डोरेमोन की आवाज काफी प्यारी हो गई है जापान में भी, आपको सुना देता हूँ ये।
急げ、ハリアップ、どら焼きの特売だ、どら焼きの特売、あとでいかなくっちゃ。मुझे हिंदी वर्जन भी पसंद आया है। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आज मैंने रिएक्ट किया था हिंदी वर्जन ऑफ डोरेमोन्स ओपनिंग सॉन्ग के ऊपर। इफ यू लाइक माई हिंदी एंड वीडियो, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। ठीक है यार, सब्सक्राइब तो कर लेना प्लीज। चलो, सी यू नेक्स्ट टाइम गाइस, बाय।